सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए वीडियो आने में लेट हो गई। सीधे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेन योर बाइसेप। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेरे बिगनर्स भाई पूछ रहे थे कि भाई मेरा बाइसेप की एक्सरसाइज मैं करता हूँ बाइसेप डे वाले दिन, बट मेरे को पैसा फील नहीं आ रहा है जैसा मेरा पहले आता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर जैसे आप बाइसेप की एक्सरसाइज पहले दिन कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, क्योंकि वो आपके लिए न्यू है। जैसे जैसे आप वही एक्सरसाइज रिपीट करते जा रहे हो तो आपको बाइसेप में उतना फील नहीं देगा जितना कि आपको पहले मिलता था। क्यों? इसका ये कारण है क्योंकि वो कॉमन वर्कआउट हो जाएगा और आपके मसल माइंड को पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पहले ये एक्सरसाइज ये करेगा, फिर उसके बाद हैमर कल करेगा, जिससे कि आपको उस टाइप का पंप नहीं मिल पाता है जैसे आपको पहले मिलता था। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको अपने वर्कआउट बदल देना चाहिए। जो आप बाद में करते हो उसे पहले कर देना चाहिए, या आपको कुछ और एक्सरसाइज अलग न्यू एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत है जिससे आपका बाइसेप ग्रो होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चार बेस्ट एक्सरसाइज बाइसेप की, जो आप ट्राई कीजिए जिससे आपका साइज बहुत अच्छा ग्रो होगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ओल्ड एरा वाले बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज करते थे। तो चलिए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन पे बाइसेप कर्ल। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पुराने बॉडी बिल्डर बहुत करते थे ये एक्सरसाइज। आपके बाइसेप में बहुत अच्छा पंप देगी और आपका बाइसेप गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको बता दूंगा आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले एक इंक्लाइन बेंच लेनी है और उस पर लेट जाना है और अपने गर्दन को बिल्कुल नीचे चिपका लेना है, ऐसे नहीं उठाना है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं बट ऐसे नहीं करना है। अपने गर्दन को नीचे, सर को टच कर लेना है नीचे, उसके बाद हाथ को आगे रख लेना है और आपको अच्छे से करनी है। स्लो स्लो करनी है जिससे आपके बाइसेप में पूरा फील आए और आपका बाइसेप अच्छा ग्रो हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको स्लो स्लो करनी है, बाइसेप फील करके करनी है। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कोई सा भी बॉडी पार्ट ग्रो करने में, तो आपको बकायदा स्लो स्लो करनी है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, माइंड फ्री हो गया करनी है जिससे कि आपको मसल ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आपको अच्छे से कर लेनी है पहली एक्सरसाइज। वेट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा हल्का मत लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा अच्छा वेट लीजिएगा, हैवी आपको ज़्यादा हैवी भी ना लगे, मीडियम लगे और अच्छे से आपके रैप आ जाए। पहले आप 5 kg से करिए पहला सेट, 15 रैप निकाल लें, दूसरा फिर आप 7.5 kg से करिए। थोड़ा वेट बढ़ाना ज़रूरी होता है जिससे कि आपके बाइसेप पे अगले सेट में ज़्यादा लोड आए। तो दूसरा सेट आप करिए 7.5 kg से, उसमें भी आपको 15 रैप निकाल लें। दूसरे सेट में ही आपका बाइसेप बहुत ज़्यादा पंप हो जाएगा। तीसरा सेट आपको 10 kg से करना है, तीसरे सेट में आपको 12 रैप निकाल लें और चौथा सेट अगर आप 12.5 kg से कर सकते हो तो करिएगा, अदरवाइज मैं आपको 10 से ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 10 से ही करिए, उससे भी आप 12 रैप निकालिए। पहली एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छा पंप आ जाएगा और आपका बाइसेप बहुत अच्छा पंप हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको दूसरी एक्सरसाइज कौन सी करनी है। आपको बाइसेप की एक्सरसाइज पहले जरूर करनी है जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरी एक्सरसाइज हमें केबल से करनी है। आपको स्ट्रेट रॉड नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, स्ट्रेट से भी कर सकते हो, बट अभी आपको ज़िगज़ैग रॉड लेनी है और केबल में लगा लेनी है। वेट आप अपने हिसाब से लगाइएगा, ज़्यादा हल्का वेट नहीं लगाइएगा, अच्छा वेट मीडियम वेट लगाइएगा जिससे आपको बाइसेप करने में, बाइसेप पे लोड है उतना वेट लगाइएगा, उतना हैवी भी मत लगाइएगा कि आपकी पोजिशन खराब हो जाए। तो ठीक है, आप ग्रिप देख लीजिए आपको कहाँ पकड़नी है, आपको यहाँ नहीं पकड़नी है। बहुत से लोग यहाँ पकड़ के करते हो, इधर पकड़ के डालता है, रिवर्स की जाती है, रिवर्स नहीं करनी है। अभी आपको कर्ल करनी है स्ट्रेट, तो आपको अंदर की ओर पकड़ना है जहाँ से ये राउंड होता है, तो आपको ऐसे पकड़ लेना है। चेस्ट आपको सबसे पहले अप कर लेना है, क्योंकि चेस्ट अप करोगे तभी आपके पोजिशन में, तभी आपकी पोजिशन अच्छी आएगी।
चेस्ट अप कर लेना है, बाइसेप ज्यादा पीछे नहीं करना है, बहुत से लोग पीछे करके करते हो करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं करना है, आगे रखना है, आगे करके ऊपर खींचना है, स्लो रखना है और लाना है डाउन, फास्ट खींचना है स्लो लाना है, फास्ट खींचना है स्लो लाना है, पैर बेंड नहीं करने हैं ना, आगे की ओर झुकना है, पीछे की ओर रहना है, चेस्ट अप करना है, हाथ आगे रखने हैं, फास्ट खींचना है स्लो लाना है, पूरा नीचे छोड़ना है, जैसा कि आपने देखा कि पहला सेट आपको कैसे करना है, स्लो स्लो करनी है, बकायदा पोजीशन का ध्यान रखिएगा जिससे कि आपके बाइसेप का पूरा लोड आए, और पोजीशन खराब मत करिएगा, पोजीशन खराब होगी तो आपके बाइसेप पर लोड नहीं आएगा, फिर आपका बाइसेप ग्रो नहीं होगा, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनाए रखिएगा जिससे कि बाइसेप आपका ग्रो हो। दूसरी एक्सरसाइज आपको केबल करनी है, वेट आपको आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, पहला सेट आपको 3 प्लेट से मैंने स्टार्ट किया था, आप भी 3 प्लेट से स्टार्ट कर सकते हो, पहले सेट में आपको 18 रैप निकालने हैं, दूसरे सेट में आपको 16 रैप निकालने हैं, तीसरे सेट में आपको 15 रैप निकालने हैं, और चौथे सेट में आपको 15 रैप निकालने हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपको केबल से करनी है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप ग्रो करने के लिए, चलिए चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज हमारी हैमर कर्ल, हैमर कर्ल आपको हमेशा अपने बाइसेप दीवार से करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है बाइसेप की, फिनिशर एक्सरसाइज भी कहते हैं, आपको हमेशा अपने बाइसेप दीवार से करनी है, कैसे करनी है, पोजीशन का ध्यान रखिएगा कि पोजीशन खराब ना हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही स्लो स्लो करिएगा, पोस्चर टाइट करके करिएगा, बाइसेप पे पूरा लोड है ऐसे करिएगा, आप सिंगल हैंड कर सकते हो और डबल भी कर सकते हो, आपको ठीक लगे आप वैसे करिएगा, सिंगल भी कर सकते हो डबल भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों करके बता दी, अच्छे से करिएगा, पोस्चर टाइट करके करिएगा, क्योंकि पोजीशन मेन होती है, पोजीशन जब तक आपकी ठीक नहीं आएगी आपको बाइसेप ग्रो करने में आपका बाइसेप ग्रो हो ही नहीं पाएगा, बहुत से लोग पोजीशन में गलती करते हैं जिससे उनका बाइसेप ग्रो ही नहीं हो पाता है, तो आपको हैमर तीसरी एक्सरसाइज करनी है, आपको इसके पहले साइड में 20 रैप निकालने हैं, दूसरे सेट में आपको 18 रैप निकालने हैं, तीसरे सेट में आपको 15 रैप निकालने हैं, चौथे सेट में भी आपको 15 रैप निकालने हैं, जिससे आपका बाइसेप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज बाइसेप डे वाले दिन जरूर करनी है, तीसरी एक्सरसाइज थी हमारी हैमर कर्ल, लास्ट एक्सरसाइज आपको बताता हूँ कि लास्ट एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। ये मशीन बहुत सी जगहों में नहीं होती है, बहुत सी जगहों में होती है, तो आपको लास्ट एक्सरसाइज पीछे कर्ल से करनी है, पहले स्लो स्लो करिएगा, पोजीशन ध्यान से पोजीशन देख के करिएगा, बकायदा आपको ऊपर लाना है पूरा, पूरा नीचे छोड़ना है, ऊपर रुकना भी है आपको 1 सेकंड, तो जैसा कि आपने देखा आपको चौथा वर्कआउट अपने पीछे कल से करनी है, मशीन ना हो तो आप पीछे ब्रांच लगा के zigzag रॉड से भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप ग्रो करने के लिए, लास्ट एक्सरसाइज हमारी पीछा गर्ल, आपको वेट आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, अपना वेट लगाइएगा कि आपके बाइसेप पे अच्छा लोड आए, ज़्यादा हल्का वेट मत लगाइएगा, पहले सेट में आपको 18 रैप निकालने हैं, मैंने अभी कम रैप निकाले हैं क्योंकि मेरा अभी वर्कआउट जस्ट खत्म हुआ है, तो पहले सेट में आपको 18 रैप निकालने हैं, दूसरे सेट में आपको 15 रैप निकालने हैं, तीसरे सेट में आपको 12 रैप निकालने हैं, और लास्ट चौथे सेट में आपको 10 रैप निकालने हैं, 4 वर्कआउट आप अपने बाइसेप डे वाले दिन ऐड करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और बाइसेप ग्रो करने के लिए आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, डाइट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है आप चेक कर सकते हो, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ आपको जो दिक्कत आएगी मैं आपको वहाँ रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।